नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार दुबंसी। आप सभी जानते हैं कि YouTube चैनल को लेकर के आपके लोगों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। इस समय PBR स्टडी में 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो क्या अर्निंग होती है, क्या कमाई होती है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आते हैं और सर ने हमें बताया हुआ है, और उन्हीं बातों को लेकर के आज हम आपके सामने आए हुए हैं। आज हम आपको सब कुछ दिखाएंगे बिल्कुल आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस समय सब्सक्राइबर 51,085 हो चुके हैं और पिछले 28 दिन का डाटा कुछ इस प्रकार है। वॉच टाइम में जो मिनट में है वो है 14,25,859 मिनट। व्यू है टोटल 3,62,217। सब्सक्राइबर जो बढ़े हैं पिछले 28 दिन में वो 10,103, और जो अर्निंग हुई है वो $32 हुई है। $32 का मतलब जानते हैं आप? $1 मतलब 70 रुपया, यानी कि 32 से आप गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 × 14, 7 × 21 = 22, यानी कि 2,240 रुपया की कमाई हुई पिछले 28 दिन में। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें कुछ हम आपको जो जानकारी दिखा रहे हैं उसे ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टोटल आपके जो पर महीने में सिम के कनेक्शन हैं, 5 सिम अनलिमिटेड रिचार्ज होते हैं, जिसमें हम ज़्यादा जानकारी आपको बाद में बताएंगे। 3 GB पर डे प्लान से लेकर के 75 GB का प्लान तक है, उसके बारे में आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या खर्चा आता होगा। कमेंट्स आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और भी बहुत कुछ है, तो चलिए आपको सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक एक वीडियो की आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दें, पहला नंबर तो 48 घंटे के बाद ही सभी अपडेट होता है, तो जो वीडियो 2-3 दिन पहले के हैं उन्हीं में कुछ दिखेगा, बाकी में कुछ नहीं दिखेगा। तो देखिए, एक वीडियो से हम शुरू करते हैं जो कि आपकी सबसे फेवरेट क्लास होती है, DLED और 0 लेवल की, है ना। तो इसी वीडियो पे हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें क्या क्या है। ये वीडियो की जो कमाई है ना वो $0.3 है। कितना है? $0.3, देख रहे ना यहाँ पे। $0.3 का मतलब जान रहे हैं, $1 मतलब 70 रुपया, तो 0.3 को आप 70 से गुणा कर लीजिए। हमने आपको बहुत अच्छे से गणित सिखाया है, तो आप यहाँ 0 उतार लीजिए, 7 × 21, एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, मतलब 21 रुपया। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 28 दिन में इसकी कमाई जो है 21 रुपया है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपके सिस्टम है जो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा अगर आप कमेंट देखेंगे तो बहुत ही मीठे मीठे होते हैं, अब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सब समझ में आ जाता है। नीतू श्रीवास्तव, हम लाइक कर दिए हैं सर, रमेश उपाध्याय, क्लास 5 के मैथ सारी चैप्टर के बतावे राम कुमार, कमेंट देख लेना आपने। आगे चलें, अब हम आपको दिखाएंगे मोस्ट व्यूड जो वीडियोज हैं उनकी क्या अर्निंग होती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोस्ट व्यूज मतलब जो सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो हैं उनकी अर्निंग। देखिए, इस वीडियो का जो टॉप पर है इसके व्यू हैं 5,75,687, यानी कि इस वीडियो को अभी तक टोटल लगभग 6 लाख लोगों ने देखा है। कितना लोगों ने देखा है? 6 लाख, मतलब 50 लगा दो भाई बाद में, ठीक है। और इस वीडियोज का जो लाइक है ना वो 20,000 लाइक हैं। कितने लाइक हैं? 20,000 लाइक हैं, और 1,407 कमेंट हैं। सबसे टॉप वाला, इसकी अर्निंग हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा होगा, वॉच टाइम में जो मिनट में है ना बाबू, पिछले एक महीना में वो 3,69,047 मिनट ही देखा गया है। इसके टोटल व्यू हैं 56,713, और इसकी जो कुल अर्निंग है पिछले एक महीना में वो $6 है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि $6 का मतलब क्या हुआ। $6 मतलब 70 × 6 गुणा कर लो ना भाई, 7×6 = 42, 420 रुपया, मतलब पूरा महीना में इसकी जो कमाई हुई 420 रुपये। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा, आखिर कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर इसमें क्यों लगे रहते हैं, है ना। इसका और भी बहुत सा सिस्टम होता है, जो आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं ना, जो लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन करते हैं उन्हीं लोगों के ये ज्वाइनिंग के आधार पर आपकी ये क्लास चलती है, वरना अभी तक ना चलती होती। और इसके अलावा आपको और मैं बता दूँ, जो आपकी ऑफलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास में जो आपके मित्र लोग यहाँ पर फीस पेमेंट करते हैं उन्हीं के खर्चे से यह क्लास चलती है, ठीक है। तो ये सब कुछ ऑनलाइन से नहीं होता है। दूसरा वीडियो नंबर दूसरे पर जो है, इसको भी आप इसकी जानकारी भी देख लीजिए। इसमें क्या है, इसका जो टोटल सिस्टम आपको दिख रहा होगा, वॉच टाइम में जो मिनट में है 16,000
और 16 मिनट ही देखा गया है, इसके व्यू हैं 6519। इसकी जो अर्निंग है ना वो 0.65 डॉलर है। कितना है? 0.65 डॉलर, मतलब माफ़ करिएगा 0.45 डॉलर है ये। इसको आप 70 से जब गुणा कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 0.45 गुणा 70, तो ये 0 हो गया। 7 बजे 35 हासिल कितना आया? 3, और 7 चौक 28, 28 3 31, दो अंक पर दशमलव लगा दो भाई, तो ये आपका हो गया 31.5 रुपया। यानी कि जो टॉप सेकंड पर है उसकी कमाई 31.5 रुपया है। इसकी कमाई जो है वो 400 रुपया लगभग में है ना, पिछले एक महीना की। तो अब आप लोग इसे अनुमान लगा सकते हैं, जो आपकी सबसे मनपसंद और फेवरेट क्लास होती है जीरो लेवल की क्लास, जिसको अभी तक एक महीना के अंदर में लगभग में 53,000-54,000 लोगों ने देखा है। देखिए इसके क्या हालात हैं, इसको देखने वालों ने इसे 91,142 मिनट देखा है, और इसके व्यूज हैं देखने वालों की संख्या 36,616। इसकी जो कमाई है 2.87 डॉलर है। 2.87 डॉलर का मतलब आप लोग जानते होंगे, 70 से गुणा कर लो इसको भाई, तो ये हो जाएगा 0, और 7 × 7 49 हासिल कितना है? 4 × 7 8 56 है ना, 56 4 60 हासिल है, 6 7 2 14 6 20। इसमें दो अंक पर दशमलव लगाएंगे पीछे से, गड़बड़ हो रहा है क्या? सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। इसकी जो कमाई है टोटल 200 रुपया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरह से आपकी अर्निंग का सिस्टम है, 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये 400 रुपये, ये आपका वीडियोज का अर्निंग होता है। जो टॉप फर्स्ट पे है मैं उनकी दिखा रहा हूँ, बाकी अगर आप नीचे जाएंगे ना तो बस 5 रुपये 10 रुपये 8 रुपये ये होता है। तो फिर भी आपने पंक्तियाँ सुनी होगी, किसकी? वो गुलजार साहब की, गुलजार साहब की आपने पंक्तियाँ सुनी होगी है ना। उन्होंने क्या कहा था? बड़ी मुश्किल से करता हूँ तेरे यादों का सौदा, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो ही जाता है। तो बस वही हाल है, बाकी और सब बेहाल है। आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। बस कहीं से भी किसी भी तरह से चलना चाहिए और चलता रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को PBR स्टडी को शेयर करें और देखें, ध्यान दीजिएगा, कमेंट दिखाते हैं। कमेंट आपके बहुत ही लुभावने आते हैं। सर मैं सुभाष सिंह, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने मैथ सीखने की उम्मीद ही छोड़ दिया था। इन्होंने स्पेलिंग भले थोड़ा गलत लिखा लेकिन उसको हम सही मतलब में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद ही छोड़ दिया था, पर सर आपकी क्लास लेने के बाद लगा कि मैं भी मैथ सीख सकता हूँ। थैंक यू सर इतना बेसिक से और इतना बढ़िया पढ़ाने के लिए, थैंक्स सर। और आप देखिएगा सर बहुत अच्छा, मेरे जैसे मैथ वीक स्टूडेंट के लिए किरण लाए हो, वेरी गुड वर्क, आई रियली अप्रिशिएट इट। और भी बहुत से कमेंट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर और भी बहुत से कमेंट हैं। सर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बहुत बहुत थैंक्स सर जी, आप बहुत बच्चों को प्रॉफिट होगा। और PBR स्टडी आप हमें ऐसे ही समझाया कीजिए, नाइस। और बहुत से कमेंट्स यहाँ पर आपके सामने आ चुके हैं, आप इन्हें ध्यान से देख सकते हैं। मेडिकल सेज दैट रात को 9 बजे से 2 बजे तक हमारे दिमाग में हार्मोन्स निकलता है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और तभी काम करेंगे जब आप रेस्ट कर रहे हो, ये तभी काम करेंगे जब आप रेस्ट कर रहे हो। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि ये क्लास आपकी रात 2 बजे लाइव हुई थी, तो इनका मतलब ये है कि रात में नहीं पढ़ना चाहिए। और बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि छोड़ दो पढ़ाना, इतना सरल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 6 वाला बच्चा कर सकता है उसे, जो क्वेश्चन 6 वाला बच्चा, इनका मतलब उसे कर सकता है। और यानी कि लोग अपने अपने तरीके से कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को और आप भी अपने विचारों को कमेंट करिएगा। सर आप तो बहुत महान गुरु हैं, हमको भिन्न के जोड़ नहीं आ रहा हो
यह हमको सिखाकर बहुत अच्छा काम किए सर, मेरी तरफ से प्रणाम सर, आपको समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। बाकी आप देखेंगे तो हजारों कमेंट में सभी कमेंट पॉजिटिव हैं, बस एक दो कुछ लोग जो कहते हैं ना टांग खींचने वाले होते हैं, तो बस उन्हीं लोगों ने टांग खींचने की कोशिश किया फिलहाल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग चैनल वाले हैं जिनको बहुत बुरा लगता है सब देख करके, तो वो लोग अपना थोड़ा थोड़ा प्रतिक्रिया जो है अपने हिसाब से देते हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिलहाल अनदेखा कर देते हैं, नहीं तो हम उनके कमेंट को डिलीट करके और उनको ब्लॉक कर देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कोई भी कमेंट्स को। थैंक्स सर, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, बहुत ज्ञानी हो आप, मज़ा आ गया आपकी पढ़ाई देख कर, मेरा भी समझ में आ गई। और आप ऐसे कमेंट देखते जाएं तो बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार कमेंट है। योर मेथड इज सो गुड फॉर एवरी वन, आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी गुड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स बट नो बॉडी हेल्प मी ऑन दैट टाइम, बट बॉस योर इफर्ट इज हेल्पफुल फॉर एवरी वन स्टूडेंट। और इसी तरह की अगर हम लोग आगे चलते चलें तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सर मुझे काटने भी नहीं आता, कैसे काटा जाता है, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया हुआ था, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं पॉजिटिव कमेंट, है ना। तो ये थी पूरी हालचाल लगभग में, जो आप लोग बार बार पूछना चाहते हैं वो हमने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। और भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, इसमें बहुत से लोगों ने अपनी बहुत सारी जानकारियां भी शेयर किया है, आप लोग भी बहुत कुछ शेयर कर सकते हैं अपना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस तरह की वीडियो देखना है, अगर देखना है तो हम आपको अप टू डेट कराते रहेंगे, ठीक है। सॉल्व करना चाहिए तो दुनिया भर का भाषण दे रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, पहले जो क्वेश्चन बोर्ड पे है उसको सॉल्व करना चाहिए, दुनिया भर का भाषण दे रहे हैं आप, मतलब कहते हैं ना कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अजीब टाइप के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसमें देखेंगे आप हज़ारों की संख्या में कमेंट हैं जो कि सभी पॉजिटिव हैं, बस कुछ ऐसे हैं जो कुछ ज़्यादा ज्ञानी हैं तो उन्होंने अपनी भड़ास निकाला हुआ है ना। यहाँ पर हम आपको ओनली पॉजिटिव कमेंट दिखा रहे हैं, बाकी और भी कुछ कमेंट हैं। ये मान लीजिए कि 98% जो हैं पॉजिटिव हैं, बाकी 2% जो हैं कुछ बेवकूफ़ों की कमी नहीं इंडिया में, तो निगेटिव कमेंट भी हैं, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर बताइएगा कि ये वीडियो पॉजिटिव कमेंट के लिए अच्छा होगा या फिर निगेटिव। वेरी गुड सर, नाइस सर, हमें जो बातें में सवाल होते हैं जिनको भाग दे के काटते हैं हमें ठीक से नहीं आता है, आप एक वीडियो इस पर ज़रूर बनाइए। जी राजीव चौहान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी सभी लाइव क्लास होती हैं इस तरह के डेली, आप उन्हें देखें और समझें,